हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि हम टैली पर वर्क करने के लिए जाते हैं और हमारा पहला दिन होता है, ठीक है। जैसे हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया हुआ है, इनका नाम है शेख। तो इन्होंने कमेंट किया कि हेलो सर, रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ रेस्टोरेंट, सो हाउ कैन आई बुक डेली एक्सपेंसेस लाइक आइसक्रीम परचेज, वाटर बॉटल, ऑयल, राइस, दाल मसाला, फिश ईटीसी। तो इसमें आपको काम क्या करना है, जो भी चीजें आपके पास आएंगी उसका टैली में आपको पहले तो रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, कैसे ये चीजें करेंगे, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो टैली ओपन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इनके पास टैली ईआरपी 9 ही है, तो मैं ईआरपी 9 पे ही आपको काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें, सारी डिटेल जो है ईआरपी 9 पर होने वाली है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो यहां आ गए एजुकेशनल मोड में, मैं इसे ओपन करता हूं। आपका तो जो है लाइसेंस वर्जन होगा, तो लाइसेंस वर्जन में आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूं, एंटर करके एस प्रेस करेंगे तो आप कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, और इसमें से कोई भी एक कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी कंपनी होती हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपनी है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास मान लीजिए आपने स्टॉक आइटम मंगवाया, और अपने रेस्टोरेंट में क्या क्या स्टॉक आइटम मंगवाया, लाइक आइसक्रीम मंगवाया, ठीक है। तो आइसक्रीम मंगवाएंगे तो आइसक्रीम की खरीद रेट आएगी आपको, ठीक है। तो कैसे उसकी एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां पर इन्वेंटरी इन्फो पे आइए। इन्वेंटरी इन्फो पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर मिलेगा स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहां पर आप ग्रुप बना सकते हैं, कैसे ग्रुप बनाएंगे, देखिए आइसक्रीम का ग्रुप है तो यहां पर क्रिएट करेंगे आप, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ये हो गया आइसक्रीम, एक तो सिंगल स्टॉक आइटम आप बनाएंगे जो कि मैं बना के दिखा रहा हूं, और एक मल्टीपल स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। तो ये आइसक्रीम हो गया, एंटर किया, उसे एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया आइसक्रीम का, ठीक है। अब देखिए अब यहां से स्टॉक आइटम बनेंगे, तो यहां पर जाकर के और क्रिएट पे जाकर के आपको क्या करना है, वनीला एक आइसक्रीम का नाम होता है, तो ये वनीला फ्लेवर कर देते हैं फ्लेवर, तो ये हो गया वनीला फ्लेवर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर आइसक्रीम करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, अब आइसक्रीम बिकेगा तो किलो में तो बिकेगा नहीं, वो तो नंबर में बिकेगा, 1, 2, 3, 4। तो यहां एनओएस किया है, आपको अगर यूनिट बनाना नहीं आता तो आप अल्ट सी करके यूनिट बनाइएगा, अल्ट सी कीजिएगा और यहाँ पे जैसे एनओएस कर दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, नीचे नंबर्स कर देंगे और डेसिमल प्लेसेस में जीरो रखेंगे, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, यूनिट में एनओएस करिएगा, ठीक है, यूनिट क्या करिएगा, एनओएस। तो ये एनओएस कर दिया हमने, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपने जीएसटी चालू किया है या वैट चालू किया, अगर जीएसटी चालू किए होंगे तो आप जीएसटी लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये मैंने स्टॉक आइटम बनाया, यहाँ से बाहर आता हूँ और यहाँ से जीएसटी भी चालू करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जीएसटी चालू करना है, ठीक है। तो यहाँ से F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करते ही ये कंपनी फीचर्स ओपन होगा, यहाँ से आपको जाना है स्टेटरी पर और यहाँ से जीएसटी के लिए यस प्रेस करना है, यहाँ पर भी यस प्रेस करना है, आपका जो भी स्टेट हो वो यहाँ से आप चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको साइड में स्टेट के नेम डिस्प्ले हो रहे होंगे, तो जो भी आपका स्टेट होता हो वो स्टेट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्री आपकी पहले ही आ जाती है, यहाँ पर आपका आएगा GSTIN नंबर, तो जो आपका GSTIN हो वो आप चूज कीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके यहाँ पर वाई प्रेस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, 5% की जीएसटी लग रही है, तो ये लगा दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया और एंटर एंटर लास्ट तक करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो ये काम हो गया है। अब एक स्टॉक आइटम हमने आइसक्रीम का बनाया है जिसमें वनीला फ्लेवर रखा है, अगर दूसरा भी बनाना चाहते हैं तो वापस इन्वेंटरी इन्फो में जाइए, दूसरा स्टॉक आइटम बना लीजिए चॉकलेट फ्लेवर, तो ये लिख लीजिए चॉकलेट, ठीक है, फ्लेवर, ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया और यहाँ पे क्या आएगा, आइसक्रीम का ग्रुप आएगा, एनओएस रहेगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे चाहे तो अलग से जीएसटी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अलग से जीएसटी देना नहीं है, ठीक है। यहां से बाहर आएंगे और बाहर आकर के अब एंट्री पास करेंगे तो परचेज में पहले जाएंगे, तो ये है आपका परचेज, परचेज के लिए F9 प्रेस करना है और यहाँ पर सप्लायर जो बिल देगा आपको, जैसे कहीं बाहर से परचेज करेंगे तो आपको एक बिल देगा कि हाँ इतने का ये दिया, इतने का ये दिया, इतने का ये दिया, तो वही एंट्री आप इसमें कर लीजिएगा। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी परचेजिंग की पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी आएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है ये, 1 अप्रैल को आपने परचेजिंग करी है और किनसे परचेजिंग की है, तो अल्ट सी करके उनका लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कर दिया, एक मिनट, बेकर्स, बेकर्स, ठीक है, इनसे परचेज किया है अन्नपूर्णा बेकर्स से और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसका ग्रुप जो होगा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है।
एंटर करेंगे, बाकी मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखना है, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर एंटर 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 लास्ट तक करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर परचेज का लेजर लगा दिया है, ठीक है, जैसे अल्ट सी करके बनाना है आपको और लगा देना है परचेज का लेजर, ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर आइसक्रीम की बात थी, तो यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए वनीला फ्लेवर आइसक्रीम जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर आइए एंटर करिए। अब मान लीजिए कि वनीला फ्लेवर 50 आइसक्रीम आपने परचेज किए हैं, तो ये 50 नंबर जो है आइसक्रीम के आ गए यहाँ पर। और एक आइसक्रीम आपने खरीदा कितने का है, आपने कितने का खरीदा है, तो आपने खरीदा 5 रुपए का, बेचेंगे तो जो भी बेचने वाली प्राइस है उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं पहले ही। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक आइटम बनाया, उसी वक्त आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने का बेचेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो यहां से पहले बाहर आ जाता हूं, वो दिखा देता हूं। बाहर आने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना है, ESC बटन, ठीक है, ऊपर होता है कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, ठीक है। अब यहां पर इन्वेंटरी इन्फो पे आइए, इन्वेंटरी इन्फो पे आने के बाद ये स्टॉक आइटम है आपका और इसको अल्टर कर लीजिएगा यहां से, ठीक है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है एक आइसक्रीम, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहां पर स्टैंडर्ड रेट मैंने सेट किया है, ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड रेट है इसे मैं यस करूंगा। अब ये स्टैंडर्ड रेट कैसे सेट किया, स्टैंडर्ड रेट सेट करना भी बता देता हूं, कहां से ये एक्टिवेट होगा, समझ रहे बात को। तो ऐसे में आपको करना क्या है, कीबोर्ड से प्रेस करना है एक शॉर्टकट की F12, क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगे। यहां पर आएगा नजर इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, तो यहां पर आप इसे यस कर दीजिएगा। अगर इसे नो कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड रेट आपको यहां पे शो नहीं होगा, तो जरूरी है कि इसे यस कर दीजिए तो ही ये शो होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर यस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये शो होगा और अब आप स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर पाएंगे। तो यहां से यस करेंगे तो यहां पर जो है आइसक्रीम जो चॉकलेट फ्लेवर है उसकी जो खरीद रेट है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भी आप डेट देना चाहें वो डेट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो डेट डालना चाहे डाल सकते हैं, फिलहाल अप्रैल डाल देते हैं, 1/4/2023 ये डाल दिया। और रेट डाल देते हैं कि खरीद रेट हमारी 12 रुपए की पड़ी तो हम इसे 15 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/4/2023 कर देते हैं, या फिर सेल जो भी हो यहाँ पे 1/4/2023 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेचने वाला रेट है वो डालिएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया है। अब यहाँ पर जब चॉकलेट फ्लेवर की हम बात करेंगे परचेजिंग की, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मान लीजिए जो हम एंट्री पास करने वाले हैं परचेज में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, एंटर किया हमने। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अन्नपूर्णा बेकर से ही हम परचेस कर रहे हैं ये सामान, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर अन्नपूर्णा बेकर्स का जो एड्रेस है वो आएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, तो ये हमने कर दिया है। और ये करने के बाद एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे परचेस का लेजर आता है और यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो आपको कीमत डालने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर पे ही ये सेट किया है। तो जैसे मान लीजिए 50 चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है तो एक की कीमत देखिए खरीद रेट 12 रुपए आ रही है, लेकिन यही जब आप बेचेंगे तो कीमत कुछ और आएगी, अपने आप आएगी। ये फायदा है स्टैंडर्ड रेट सेट करने का, ठीक है। अब यहां पर CGST SGST चाहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, अगर एक्टिवेट किया तो लगा सकते हैं। तो लगाएंगे कैसे, तो लेजर यहां से भी बना सकते हैं, तो अल्ट सी करके बना लेंगे, यहां क्या लिखेंगे CGST, एंटर किया, यहां पर आएंगे, ग्रुप क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जब भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स आएंगे तो उसका ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे ये जीएसटी ही है और ये सेंट्रल टैक्स है, एंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग, बस यहाँ पे 0 रख करके एंटर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इस पे जीएसटी भी लग गया है, देख सकते हैं। तो जीएसटी लग करके कितना कॉस्ट आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर SGST का बना लेते हैं, तो SGST कर दिया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, ये जीएसटी कर लीजिएगा जरूर। और यहाँ पे ये स्टेट टैक्स आएगा, बस यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये काम हो गया आपका, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन में डाल दीजिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना है, और भी सामान होंगे तो वहां पे और भी सामानों की एंट्री आप कर सकते हैं। और जब बिल आएगा तो बिल परचेज का ऐसा आएगा, देखिए ये परचेज का बिल है ये वाला, ठीक है। यहां से ऑल्ट पी करता हूं, एंटर करते हैं तो देखिए ये बिल ऐसा जनरेट होगा, देखिए देख रहे हैं ये बिल जनरेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जब आप सेल करेंगे ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपने स्टैंडर्ड रेट पहले से ही सेट कर रखा है। F8 प्रेस कीजिएगा सेल्स वाउचर के लिए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी आपका आता हो वो डाल दीजिएगा। और अब यहाँ पर आपके डेटर पार्टी का नाम आएगा, डेटर यानी कि जो आपसे परचेज कर रहा है सामान, ठीक है, यानी जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए राजू नाम का कोई आदमी है जिसको आप सामान बेच रहे हैं
और ये उधार की जो है सेलिंग है, यानी यहाँ पे नाम डाल दिया गया तो ये हो जाएगी उधार की सेलिंग, तो हमें पेमेंट रिसीव करना होगा, ठीक है। और अगर हमने खरीदा है किसी से, परचेस किया है, तो उसमें हमें पेमेंट करना होगा। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराया। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर बनाना होगा ना, तो एक मिनट यहाँ पे चेक करते हैं, ये डेटर पार्टी का एक लेजर क्या हमने क्रिएट किया है, एक मिनट ये देखिए, यहाँ पर ये राजू नाम से है, यही डेटर पार्टी का लेजर है हमारे। तो यहाँ देखिए, ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर देंगे तो ये शो ही नहीं होगा, तो ग्रुप गलत मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर, क्या होगा, सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर करके और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस कर दीजिएगा, और बाकी एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। कंट्री वगैरह का नाम यहाँ पर आएगा, तो देखिए कंट्री का नाम है तो हमारा इंडिया है, तो हम यहाँ इंडिया लिखेंगे, ठीक है, आपका जो भी बनता हो वो कंट्री लिखिएगा। बाकी स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ उत्तर प्रदेश कर देंगे, ठीक है। जीएसटी को लागू करने के लिए ये बड़ा जरूरी है, ठीक है, स्टेट और ये चीजें डालनी बहुत जरूरी। अब यहाँ पर आप सेल्स वाउचर में एंट्री आसानी के साथ पास कर सकते हैं। वी बटन प्रेस कीजिए, रेफरेंस नंबर डालिए, एंटर करिए, और यहाँ पे जो है डेटर पार्टी का नाम आएगा, तो राजू हमारा डेटर पार्टी है, एंटर करेंगे, इनका जो एड्रेस है वो यहाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। जैसे ही सेल्स अकाउंट आता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम जो था उसी को लेते हैं और दो सेल किए गए। तो देखिए रेट अपने आप यहाँ 15 रुपए आ गया। खरीद रहे थे तो रेट कितने का आया था, हमने जब परचेस किया था बेचने के लिए तो रेट 12 रुपए का आया था, और यहाँ पर अपने आप 15 रुपए शो होने लगा। तो ये फायदा है स्टैंडर्ड रेट सेट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीजीएसटी आएगा, क्योंकि सेम स्टेट की बात है तो यहाँ पे सीजीएसटी आ गया। फिर यहाँ पे एसजीएसटी आएगा, एसजीएसटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब रेट अपने आप उसी के हिसाब से जीएसटी सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में बेचा गया, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। अब इसका बिल जो है ऐसा दिखेगा, ये देखिए सेल्स वाला बिल है ये, और अल्ट पी करके एंटर करिएगा तो ये आपका बिल इस तरीके से टैक्स इनवॉइस में आ जाएगा। अब ये आपका बिल है, लेकिन यहां पर एक चीज देखेंगे कि यहां पर आपको ये नहीं दिख रहा है कि कितना कितना परसेंट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही देखिए आपको दिखेगा टैक्स एनालिसिस, टैक्स एनालिसिस पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए, और बाकी आपको यहां पर ऑल्ट F1 करना है डिटेल के लिए। तो आप देखेंगे कि 2.5% के हिसाब से यहां पे टैक्स लगा हुआ है, 2.5% के हिसाब से, देख रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर जो है यहाँ पे 2.5% के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। वैट तो लगा ही नहीं है, वैट हमने लगाया नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इसमें एडिशनल टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, ना ही वैट इंक्लूड है, क्योंकि 30 रुपए का सामान परचेस किया गया और 75 पैसे यानी 1.5 रुपए हुए, तो 31 रुपए 50 पैसे ही आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसको आपको करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एंट्री पास करना तो, ठीक है। अब यहाँ पे वी बटन प्रेस करेंगे, अब पैसा रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के लिए F6, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, जिस भी पार्टी को आपने सामान बेचा है उससे पैसा लीजिए। अब तो देखिए 31 रुपए 50 पैसे किससे लेने हैं, राजू से। तो अगर 31 रुपए 50 पैसे राजू दे देते हैं कैश में, तो यहाँ पे देखिए कर्सर अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस पे आ जाएगा। जब आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो ऑप्शन मैंने बताया था उसको चालू रखेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। एंटर करिएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, कैश में कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बैंक से पैसा मिल रहा है तो बैंक कर सकते हैं और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये काम खत्म। अब अगर दोबारा राजू का लेजर इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे अमाउंट 0 दिखाएगा, यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये करना है आपको, क्लियर। अब हमने जो परचेस किया था उसका भी बिल हमें देना है, तो उसका हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने किया था परचेस और यहाँ पे किया था सेल, तो सेल करते समय पैसा रिसीव करना है और परचेस करते समय पेमेंट करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हमने परचेस किया था अन्नपूर्णा बेकर्स से, ठीक है, इनका 630 रुपए बकाया है, तो अगर हम इनको 600 रुपए दे देते हैं तो 30 रुपए बकाया रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आ गया, यानी बिल नंबर वगैरह सब कुछ वहां दिख जाएगा और हम भी इन्हें कैश में ही दे देते हैं, तो ये कैश दे दिया हमने और ये हो गया। अब अगर दोबारा अन्नपूर्णा बेकर्स का लेजर लगाते हैं, सिर्फ 30 रुपए बकाया दिखाएगा, देखिए 30 रुपए ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करनी है। आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।